अस्सलाम वालेकुम। आज हम पनीर बटर मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रखी हूँ, इसी में हमें थोड़ा सा तेल डालना है और एक चम्मच हमें बटर डालना है। इसी में हमें पनीर को फ्राई कर लेना है हल्का सा। इसी पे हमें हल्का सा नमक, थोड़ी सी हमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है, थोड़ी सी हल्दी, तो अभी हमारा पनीर फ्राई हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल कर लेंगे। अब हमें ग्रेवी बनाना है। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखी हूँ, इसी में हमें एक चम्मच तेल डालना है। क्यूब है बटर के, तो मैंने ये 5 क्यूब लेके इसी में डालूँगी। इसी में हमें थोड़ा सा शाही जीरा, 4 से 5 लौंग, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, इसे डाल के हमें हल्का सा तेल भून कर लेना है। इसी में हमें 3 से 4 प्याज की हमें पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करते समय हमने पानी नहीं डाला था, इसे ऐसे ही सिर्फ पीस कर दी हूँ मैंने। इसे हमें अच्छे से भून कर लेना है। 7 से 8 मिनट तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। प्याज अब हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसी में हमें 2 टमाटर की प्यूरी डालना है। इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक भून कर लेना है। इसी के साथ हम मसाले पाउडर डाल कर लेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी और 1/2 चम्मच गरम मसाला। सभी मसालों को हमें अच्छे से भून कर लेना है। इसी में हमें 10 से 12 मैंने काजू को थोड़ा सा पानी डालकर पीस कर ली हूँ। इस पेस्ट को भी हमें डाल कर लेना है। तो अब ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। इसी में अब हमें फ्राई किया हुआ पनीर डाल कर लेना है। इसी में हमें थोड़ा सा 1 चम्मच भर कर फ्रेश क्रीम डालना है, थोड़ी सी हमें कसूरी मेथी, और एक बार अच्छे से मिला कर लेंगे। इसी में हमें थोड़ा सा पानी डालना है। अब हमें इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक सिर्फ पका कर लेना है। अब हमारे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब ये हमारा पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।